पानीपत शहर के हुड्डा सेक्टर 25 स्थित पाइट संस्कृति स्कूल में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय प्रांगण को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। 5 से 6 साल तक के नन्हे बच्चों ने रैंप वॉक से शिरकत कर अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीत लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। उनकी उत्साहवर्धक प्रस्तुतियां इतनी बेजोड़ रही कि हर कोई उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ साथ महिलाओं के लिए बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के माध्यम से नई चीजें बनाने का कार्य भी शामिल था। बेहतरीन चीजें बनाने वाले को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कार्निवाल में दर्शकों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। स्कूल अध्यक्ष सुरेश तायल ने कहा कि स्कूली कार्निवाल छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाने का एक अच्छा आयोजन है। आज पाइट जो पाइट संस्कृति स्कूल विंटर कार्निवल सेलिब्रेट कर रहा है और ये बहुत दिनों के बाद मौका आया कि जो बच्चे हैं अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं अपने जो इमोशंस हैं उनको एग्जर्ट करने के लिए एक विंटर कार्निवल में सब इकट्ठे हुए हैं। और बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा पीछे कोरोना में, जो बच्चे आपस में मिल नहीं पा रहे थे, आपस में आके खेल नहीं पा रहे थे। सो नाउ पाइट हैज गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू यू नो टू बी रेडी फॉर द न्यू ईयर और सब मिल के जो पुराना साल है, जो अपने पुराने जो सिस्टम जिस तरीके से भी उन्होंने पूरा साल बिताया है उसको एक बार टाटा बाय कहें और नए साल को यू नो वेलकम करें, ताकि एक नई एनर्जी के साथ एक नए उमंग के साथ यू नो तो एक अपनी नए साल के अंदर यू नो देते हुए नो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज बहुत सारे गेम्स जो हैं यहाँ पे आज खेले जा रहे हैं और बच्चों ने बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं एंड पेरेंट्स उनके साथ में हैं। सो इट्स यू नो काइंड ऑफ एन गेला फंक्शन, एक गेट टुगेदर है जिसके अंदर सब लोग आपस में मिलते हैं, दे शेयर देयर यू नो गुड थिंग्स एंड और जो हमारा फैशन शो है, फैशन शो में छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से ड्रेसअप होके आते हैं देन दे वॉक विद द कॉन्फिडेंस, तो ये चीज़ पता चलता है कि येस दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे आर एग्जिबिटिंग देयर कॉन्फिडेंस। जो उनका फियर होता है जो स्टेज पे आने का वो चला जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है एक लर्निंग है, ये सस्टेनेबल लर्निंग है, ये कोई रॉट लर्निंग नहीं है जो आप एक किताब में लिख के किसी एग्जाम में कर रहे हैं। दिस इज देयर पर्सनैलिटी विच इज कमिंग एंड स्पीकिंग आउट। सो यही हमको बच्चों को सिखाना है कि हाउ टू कैरी देमसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ इन फंक्शंस और वो किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ बिल्ड करें, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच वी नीड इन टूडेज टाइम, बिकॉज यू नेवर नो कि किस तरीके का इन्वायरमेंट, किस तरीके का यू नो इवेंचुअलिटी आएगी और यू नो फिर से कभी हम अपने आप को एक हाउस में अपने एक कन्फाइन एरिया के अंदर लिमिट ना हो जाए। तो जब भी ऐसे कोई मौके मिले वी शुड कम फॉरवर्ड और हमें इंजॉय करना चाहिए। दिस इज़ द वे यू नीड टू लिव लाइफ और आर मोटो इज जस्ट लाइक एड कलर्स टू योर लर्निंग। तो यही हम हमेशा से करते रहेंगे एंड विल ट्राई टू मेक एवरी वन हैप्पी एंड उसके साथ वो लर्न करें। सो यू नीड टू बी इन अ हैप्पी स्कूल। वही सदस्य सचिव राकेश तायल ने सभी का आभार जताया और बताया कि स्कूल कार्निवाल में कई गतिविधियों में माता पिता और छात्र दोनों शामिल होते हैं। इससे माता पिता को अपने बच्चों और अध्यापकों के साथ भी एक अच्छा संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। विद्यार्थियों व अभिभावकों के मनोरंजन हेतु बहुत से मजेदार खेलों का आयोजन भी किया गया। स्कूल में आज हमने विंटर कार्निवल किया हुआ है क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफी लाइक पाइट हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग इट, हम लोग करते थे बट वी यूज टू डू क्रिसमस कार्निवल अर्लियर, बट दिस टाइम वी थॉट कि लेट्स हैव अ विंटर कार्निवल एंड विंटर कार्निवल इज लाइक द किड्स दे आर इन्जॉइंग ऑल द किड्स। और इस बार हमने एक थोड़ा सा स्पेशल किया है, हमने एक इवेंट रखा है जो मदर्स के लिए है, विच इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि रिसाइकिल करना, रीयूज करना चीज़ों को, वो हमने मदर्स या कोई भी, इट्स ओपन फॉर ऑल, जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए है और एक छोटे वाले बच्चों के लिए 2.6 से लेके 6 इयर्स के तक की एज के बच्चों के लिए हमने रैंप वॉक का इवेंट किया हुआ है यहाँ पे। और बाकी आप सब देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल गेम्स हैं, हुपला हैं हमारे यहाँ पे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो पाइट हैंडीक्राफ्ट, दैट इज़ पाइट हैंडीक्राफ्ट इज़ लाइक वो सब बच्चों ने टीचर्स की हेल्प से सब चीज़ें बनाई हैं, जिसमें वॉलेट्स हैं। आई कैन शो यू वन वॉलेट विच आई एम कैरिंग हियर,
ये दिस ऑल्सो इज मेड बाय द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स. दे हैव कॉइन पाउचेस बनाए हैं बच्चों ने, पेंसिल होल्डर्स बनाए हैं, और एक बहुत सुंदर सी वुडन का जो है वो हमने यहाँ पे नेम प्लेट्स कि वो अपना कस्टमाइज करवा सकते हैं, उस पर कुछ भी लिखवा सकते हैं, अपना नेम लिखवा सकते हैं, अपने किसी फैमिली के मेम्बर का नेम लिखवा सकते हैं. टैटूज है बच्चों के लिए. सो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो यहाँ पे बच्चे डेफिनेटली बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं. और हर साल का ये इवेंट जो है वो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये उन सब लोगों के लिए है जो पाइट में किसी तरह से एसोसिएटेड हैं और होना चाहते हैं. इट्स ओपन फॉर ऑल. सो दिस इज़ व्हाट ऑल वी हैव. थैंक यू. हस्तकला के माध्यम से अध्यापिकाओं की मदद से बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से बहुत ही सुंदर चीजें बनाई, जिनकी अभिभावकों ने बहुत ही सराहना की. वहीं प्रधानाचार्य वैशाली अरोड़ा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से हमारी संस्कृति को तरोताजा किया जाता है. वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह.